दोस्तों, इस साल की फागुन पूर्णिमा पर बन रहे हैं कई सालों बाद खास ग्रह योग, तो इस बार की होली भर देगी इन चार राशि वाले जातकों की किस्मत की झोली। दोस्तों, मार्च का महीना जैसे ऋतु परिवर्तन का महीना होता है, वैसे ही ग्रह परिवर्तन का महीना भी होता है। इस साल फागुन पूर्णिमा है 7 और 8 मार्च को। 7 मार्च को होलिका दहन होगा और 8 मार्च को रंगों वाली होली, और इसके 8 दिन पहले 27 फरवरी के सूर्य उदय के शुरू होकर 7 मार्च तक रहने वाला है होलाष्टक। होलाष्टक काल में ग्रह उग्र प्रभाव देने लग जाते हैं, इसीलिए इस काल में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। लेकिन होलाष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। अगर आपको कोई भी पूजा रखवानी है या कोई धर्म कर्म का कार्य करना है तो जरूर कीजिए। ज्योतिष के अनुसार इन 8 दिनों में ग्रह उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इन ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य की निर्णय क्षमता शून्य हो जाती है। इसी कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले कर लेता है। शायद यही वजह है कि होलाष्टक के बाद होली पर लोगों के मन को रंगों की ओर, उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में हो रहा इस बार का ग्रहों का परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। ये कुछ खास राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ समय लेके आने वाला है, और अब कुछ खास राशियों की किस्मत इस होली पर चमकने वाली है। होली पर होने वाले ग्रहों के परिवर्तन का इतना खास महत्व इसलिए है क्योंकि 27 साल के बाद ऐसा महासंयोग इस बार बन रहा है, जब फागुन मास की इस पूर्णिमा पर देवता कुछ खास राशियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे, और कुछ राशियों के जातक के जीवन से इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का दहन होने वाला है। यही कारण है कि इस पावन पर्व पर कुछ राशियों के ऊपर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें अधिक शुभता लाते हैं। इस दिन बनने वाले कुछ खास शुभ संयोग इस साल होलिका दहन के दिन दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, जो ज्योतिष दृष्टिकोण से भी खास है। कुल 4 राशि वाले जातकों की किस्मत की झोली ये शुभ संयोग भर देने वाले हैं। धन, भौतिक सुख, पारिवारिक सुख, प्रतिष्ठा, इन कई मामलों में ये जातक मालामाल बनने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी भी इसमें राशि शामिल है या नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस पर्व की सबसे खुशकिस्मत राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के भाग्य के द्वार अब खुलने वाले हैं। इस पर्व पर बन रहे शुभ संयोग आपको अतिरिक्त धन से मालामाल करेंगे। आपकी धन संबंधित सारी समस्याएं अब हल होने वाली है। किसी मित्र की सहायता से आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन अति उत्साहित होकर खरीदारी ना करें, ये आपके खर्च को काफी हद तक बढ़ा सकता है। व्यापार व्यवसाय में सुगमता आएगी। पूर्णिमा के आसपास के समय में व्यापार के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसमें नए समझौते होंगे। व्यावसायिक रूप से अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। अपनी आमदनी बढ़ाने और रुके हुए कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों का कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा। पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। भूमि भवन के कार्य विक्रय से लाभ होने के योग हैं। सौंदर्य प्रसाधन के संबंधित व्यापार करने वालों के लिए ये समय शुभ है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता तो मिलेगी, लेकिन परिणाम बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं होंगे। सही निर्णय से ही सही मार्ग मिलेगा, इसीलिए विचार विमर्श करके ही आगे की योजना बनाएं। सफलता अवश्य मिलेगी। अवैवाहिक जातक अपनी भावनाओं का इजहार करके नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। वैवाहिक जातक अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष से सहयोग पाएंगे। किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी और घर में प्रसन्नता छा जाएगी। परिवार के साथ आनंददायक समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर बहुत खुशियों भरा ये समय आपको हर तरह से लाभ देगा। दोस्तों, इस पर्व की दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए ये फागुन पूर्णिमा धन, अपनों से सहयोग, प्रेम, व्यवसाय, आय, इन सब मामलों में अति लाभकारी परिस्थिति का अनुभव कराएगा। अब तक की आपकी कड़ी मेहनत आपको वरिष्ठों से प्रशंसा और पहचान दिलाएगी। अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होने के आसार हैं।
आकस्मिक लाभ से आपके बीते हुए समय में उत्तम बदलाव आएगा। व्यापार व्यवसाय में बहुत ज्यादा बदलाव करने की चेष्टा ना करें। विदेशों से लाभ मिल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें। इस समय कीमती सामान की देखभाल करने की आवश्यकता है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ये समय मेल जोल बढ़ाने का समय है। अपने साथी के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे तो आनंददायक रहेगा। जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। अब काल चक्र का बदलाव आपके हक में होता जाएगा और मन में प्रसन्नता छाई रहेगी। अपने मित्र परिजनों की मदद और अपने विवेक से सभी समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब आप हो पाएंगे। दांपत्य जीवन में बेहतर तालमेल बना रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है। घर में नई जिम्मेदारियां बढ़ेगी। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है, तो दिल खोलकर होली के मजे लूटे। दोस्तों, अगले यानी कि तीसरी खुशनसीब राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों का भाग्य इस पर्व काल में सातवें आसमान पर होगा। अत्यंत धनदायी, शुभ फलदायी ये पर्व आपके लिए रहने वाला है। जमीन जायदाद के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हो तो विशेष लाभ के योग हैं। इस काल में कठोर बर्ताव और जबरदस्ती से बचे। यदि आप अपनी इस प्रवृत्ति पर काम करते हैं तो ये काल अवसरों से भरा रहेगा। आपको किसी भरपूर परियोजन का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। लोगों पर प्रभाव डालने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपको व्यवसाय के लिए कुछ लाभदायक सौदों पर बातचीत करने में मदद मिलेगी। इच्छा अनुसार अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी, लेकिन निवेश विचार विमर्श करके ही करें। आपकी संतान की अपने संबंधित क्षेत्र में लगातार प्रगति करने की संभावना है, जिससे आपको काफी गर्व होगा। यदि आप संपत्ति खरीदना या बेचने की योजना बना रहे हैं तो ये एक अनुकूल अवधि होगी। यहाँ से एक समतुल्य बनाकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सुख समृद्धि के योग भी बनते चले जाएंगे। यात्राओं का आनंद ले सकते हैं। समय आपको कई अच्छे मौके देगा। ऐसे में कुल मिलाकर ये उचित समय है अनुकूलता का लाभ उठाकर आगे बढ़ने का। तो चिंता छोड़िए और होली में दिलों को जोड़िए। दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये पर्व खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आपको व्यापार व्यवसाय में तेज प्रगति नजर आएगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों की कृपा बनी रहेगी और सहकर्मियों का पूरा साथ बना रहेगा। इससे आप अपने कार्य को वक्त पर सफल संपन्न करने में कामयाब होंगे। आपकी प्रतिस्पर्धा भावना बनी रहेगी, लेकिन अपने विरोधियों के साथ सीधे टकराव से बचें। पूर्णिमा के आसपास के समय में मन मुताबिक पद पर उन्नति या फिर साधारणत्व भी संभव है। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए फलदायी साबित होंगी। कार्य में सफलता धनदायी सिद्ध होगी। अपार धन की प्राप्ति करेंगे। आपके साथ ही आपके भाई बहनों को भी धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सावधानी बरतें। नींद से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के विषय में ये समय सुख समृद्धि लेकर आएगा। जीवन में एक नए पड़ाव को महसूस करेंगे। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपको सौभाग्य का साथ मिलेगा। सोचे हुए कार्य अचानक पूरे हो जाएंगे। सुख सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा। वैवाहिक जातकों के दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पूरे परिवार का साथ सहयोग मिलेगा, तो अनेक तरह के लाभ देखने वाले हैं। फागुन पूर्णिमा आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगी। ये फागुन पूर्णिमा इन चार राशि वाले लोगों की किस्मत चमकाने वाली है। तो दोस्तों, क्या आपकी भी राशि इनमें आई या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।